एशिया कप 2023 से पहले भारतीय टीम को मिली खुशखबरी। दोस्तों ऋषभ पंत की एशिया कप से पहले हुई भारतीय टीम में अचानक से वापसी। दोस्तों अब एशिया कप भारतीय टीम पक्का जीतेगा। अभी चाहते ऋषभ पंत भारतीय टीम की ओर से एशिया कप 2023 खेलें। इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों 30 दिसंबर 2022 को दिल्ली से रुड़की जाते समय ऋषभ पंत का अपनी कार BMW से एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद ऋषभ पंत की जान मुश्किल से बची और दोस्तों ऋषभ पंत पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं। ऋषभ पंत ने एशिया कप की भी तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों आप सामने तस्वीर में देख सकते हो ऋषभ पंत प्रैक्टिस कर रहे हैं एशिया कप के लिए। दोस्तों ऋषभ पंत भारतीय टीम की ओर से बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं। MS धोनी के बाद ऋषभ पंत को दूसरा धोनी भी कहा जाता है। दोस्तों एशिया कप का आगाज हो जाएगा 30 अगस्त वाले दिन और वहीं फाइनल मुकाबला 17 सितंबर वाले दिन खेला जाएगा। दोस्तों भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी KL राहुल इन दिनों चोट से बाहर चल रहे हैं। हालांकि उनको स्क्वाड में शामिल किया गया है मगर उनके खेलने पे अभी भी संशय है। और वहीं संजू सैमसन को बैकअप विकेट कीपर के तौर पे शामिल किया गया है और अब ऋषभ पंत को भी शामिल कर लिया गया है। अगर संजू को कुछ होता है तो आपको ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। हालांकि ऋषभ पंत पहले दोनों मुकाबले नहीं खेलेंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या ऋषभ पंत भारतीय टीम को एशिया कप का खिताब जिता पाएंगे।